22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके तैयारियों की धूम हर ओर नजर आ रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा में जहां पूरे देश से लोग शामिल होंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के रूप में मौजूद होंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके संसदीय क्षेत्र के वासी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, जिसको लेकर के काशी में बाकायदा निमंत्रण भी पहुँच चुके हैं। बता दें कि वाराणसी में 50 प्रबुद्धजनों के पास निमंत्रण पहुंच चुका है, जिसको बांटने की जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को दी गई है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि इस निमंत्रण पत्र में काशी के संत, यहां के अखाड़े के लोग और इसके साथ ही पद्मभूषण पद्मश्री शामिल हैं, जहां पर बाकायदा निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। इसको लेकर के काशी के संत समिति से जुड़े लोगों में भी खासा उल्लास देखा जा रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में प्रबंधन के लिए जो समिति बनी है, समूचे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के लिए, तो डे वन से उस समिति का सदस्य हूँ, उसका हिस्सा हूँ। लिहाजा या स्वयं को आमंत्रण देना स्वयं ये प्रसन्नता का विषय नहीं, बल्कि मेरे लिए तो प्रसन्नता यह है कि मैं काशी विश्वनाथ के इस धाम के जो कॉरिडोर बना, इसके शिलान्यास का भी साक्षी, उद्घाटन का भी साक्षी। श्री राम जन्मभूमि का जो पहला शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसका भी साक्षी था। 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन का भी साक्षी और व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि 9 नवंबर 1989 के बाद के प्रत्येक कार्यक्रमों में मैं व्यवस्था का हिस्सा हूँ, ये ज्यादा उपयुक्त शब्द है। और अब श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में मेजबान की भूमिका है। अतिथियों के स्वागत के लिए हम तैयार हैं, इसलिए जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती कि अगर आप अपनी आँखों में सपना देखें तो रामकृष्ण विश्वनाथ के सपने में विश्वनाथ और भगवान राम पूरे हो रहे, कृष्ण का भी सपना इन्हीं आँखों से इसी शरीर से पूरा हो जाए, इससे और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती। इससे जुड़े हुए यदि निमंत्रण बांटने वाले काशी विद्वत परिषद की माने तो उनका कहना है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें रामलला की प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। वहीं संत समिति के लोग भी इससे खासा उल्लासित हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री रामलला की, तो उसमें देश भर से साधु संतों को, विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। काशी के संतों को, विद्वानों को, हस्तियों को आमंत्रित करने के लिए मुझे एक दूत की भूमिका दी गई है, जो कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। काशी के विभिन्न संतों को, विभिन्न अखाड़ों के संतों को, सारी परंपराओं के संतों को, विद्वानों को और जो पद्म सम्मान से सम्मानित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियाँ हैं, उनका आमंत्रण पत्र मुझे मिला है। कुल मिलाजुला के कहा जा सकता है कि धर्मनगरी काशी में भी श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की धूम नजर आ रही है। इसमें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य यजमान शामिल होंगे, तो वहीं उनके संसदीय क्षेत्र के लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु के समर्पण में वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रथमा तिवारी, ईटीवी भारत।